वीडियो है 5 फरवरी 2024 को लगने वाले महा सूर्य ग्रहण के बाद 6 राशियों वाले की किस्मत बदलने जा रही है, जिनके बाद न केवल धन की होगी वर्षा बल्कि अब इनको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने दोस्तों, 5 फरवरी 2024 को साल का और महा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो सूर्य ग्रहण होता है वो चंद्र ग्रहण से 10 गुना ज्यादा प्रभावशाली होता है। 5 फरवरी 2024 को लगने वाला सूर्य ग्रहण कोई मामूली सा सूर्य ग्रहण नहीं होगा, बल्कि ये एक महा सूर्य ग्रहण होगा। इसलिए इस ग्रहण का बेसब्री से पूरी दुनिया की ज्योतिषी ही नहीं वैज्ञानिक भी इंतजार कर रहे हैं। 5 फरवरी 2024 को लगने वाले सूर्य ग्रहण के दूसरे दिन ही इसके प्रभाव के नाम का पहले अक्षर और आपके ऊपर जरूर पड़ेगा, क्योंकि जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो उस समय सूर्य ग्रहण का गोचर होता है, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव 12 की 12 राशियों पर पड़ता है। लेकिन इस बार 12 में से ऐसी 6 नसीब राशियां हैं जिनका इसमें इनका जीवन सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है। जैसे ही सूर्य ग्रहण लगेगा, सूर्य देव जी की कृपा 6 राशियों वालों को इस प्रकार से मिलना है, जिसके बाद इन 6 राशियों वालों के जीवन में धन सुख वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति तो होगी ही होगी। इनके जीवन में यह बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। इस सूर्य ग्रहण के बाद ये 6 खुश नसीब राशियां वाले अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में इनको सफलता प्राप्त होगी। देखिए दोस्तों, सूर्य ग्रहण एक अशुभ घटना होती है। जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो हृदय से जुड़ी हुई विपदाएं परेशानियां आती है, और जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो समुद्र में उथल पुथल होने लगती है, कई देशों में बाढ़ जैसे हालात आ जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, ग्रहण के सूतक काल के दौरान आप लोगों को कुछ ऐसी गलतियां हैं जो भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। और अगर जाने अनजाने आप सूर्य ग्रहण के दौरान या सूतक काल के दौरान कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में सख्त मनाई है, तो इससे आपको कई प्रकार के दोष लग सकते हैं, जिसके बाद आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस बार का सूर्य ग्रहण कितने बजे शुरू होगा और कितने बजे खत्म होगा, सूर्य ग्रहण का सूतक काल कितने घंटे का होगा, और सूर्य ग्रहण के दौरान वो कौन से आप छोटे छोटे कर सकते हैं, जिन उपायों को आपने सही मुहूर्त पर विधि विधान से इस बार कर लिया तो न केवल आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू करेगा तो आपका भाग्य साथ देना शुरू कर देगा, तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। फिर हम आपको बताएंगे कि हमारे शास्त्रों में सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान और सूर्य ग्रहण के दौरान किन चीजों को करने की सख्त मनाही है, जिसको आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वो कौन सी ऐसी 6 भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं भगवान सूर्य देव की कृपा आप पे और आपके परिवार पे सदैव बनी रहे, भगवान सूर्य देव के आशीर्वाद से अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों आपको पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जा कर के लिख दीजिए जय सूर्य देव जी की। देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि साल का और महा सूर्य ग्रहण इस बार 5 फरवरी 2024 को रात्रि अश्वनी अमावस्या के साथ शुरू होगा और अश्वनी अमावस्या के साथ खत्म होगा। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने दोस्तों, इस बार का जो सूर्य ग्रहण होगा वो भारत में नहीं दिखाई देगा, लेकिन इस बार का जो है वो लगने जा रहा है। इस तरीके से कि इस प्रकार समय आया है पूरे 500 वर्षों बाद, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने दोस्तों, 500 वर्षों बाद एक ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है कि सूर्य ग्रहण का जो समय होगा वो अश्वनी अमावस्या के दिन के साथ शुरू होकर के अश्वनी अमावस्या के साथ खत्म होगा। और अगर आप लोग अश्वनी अमावस्या के बारे में नहीं जानते तो ये वही अमावस्या है जिस दिन माता लक्ष्मी धरती पर वास करने आती है और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के पूरी धरती का भ्रमण करती है। और अगर इस दौरान
अगर तंत्र शास्त्र ज्योतिष शास्त्र के बताए हुए उपाय कर लेते हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो न केवल आपका भाग्य ही आपका साथ देना शुरू करेगा बल्कि माता देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और फिर आपको धन की कमी कभी भी नहीं होगी। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि साल का महासूर्य ग्रहण 5 फरवरी 2024 को रात्रि 8:34 से शुरू होगा। इसका जो समापन होगा वो आधी रात के 2:25 पर होगा। सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल होगा वो 12 घंटे पहले ही शुरू हो जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार सूर्य ग्रहण उसका जो सूतक काल होगा वो 5 फरवरी के सुबह 8:31 से शुरू हो जाएगा। आपको बता दूं दोस्तों, वेद पुराण के अनुसार सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान कुछ ऐसे उपाय हैं जो अगर आप कर लेते हैं तो न केवल आपको एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा बल्कि इन उपायों को करने के बाद आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिल सकता है। और सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान आपको कुछ ऐसी गलतियां हैं जो भूलकर भी आपको नहीं करनी चाहिए, वरना माता लक्ष्मी आपसे रूठ तो होंगी ही होंगी और आपके जीवन में कई प्रकार दोषों का सामना करना पड़ सकता है। और इस वीडियो में हम आपको जानकारी एक एक करके बताने जा रहे हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए सबसे पहले हम आपको यह बता देते हैं, सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान और सूर्य ग्रहण के दौरान अब वो कौन से छोटे छोटे से उपाय कर सकते हैं जिससे आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा और आपका भाग्य उदय हो जाएगा। देखिए सबसे पहला वह उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो एक ऐसा उपाय जिसको आप कर लिए तो मान के चलिए माता लक्ष्मी जी की आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। देखिए हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं, सूर्य ग्रहण के सूतक काल 5 फरवरी को 8:31 से शुरू हो जाएगा। इस टाइम अगर आप 11 रोटी बना करके किसी भी गाय को खिला देते हैं तो आपको 33 कोटि देवी देवताओं के साथ माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता ही होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। तो सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बाद 11 रोटी किसी भी गाय को खिला दीजिए। दूसरा ही जैसे सूर्य ग्रहण का सूतक काल हो जाता है तो आपके घर पे कोई भिक्षा मांगने आता है तो उसे 11 रूपए, 21 रूपए या 51 रूपए अपने श्रद्धा के अनुसार दे दीजिएगा। माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान कोई भी दान किया जाए इससे आपके ऊपर कोई दोष होता है, वो दोष आपके ऊपर से पूरी तरह से घट जाता है। तीसरा सूर्य ग्रहण जो होगा दोस्तों वो 5 फरवरी की रात्रि के 2:25 पर खत्म होगा। तो आपको बस इस बात का ध्यान रखना है, सूर्य ग्रहण के दूसरे दिन मतलब कि 5 फरवरी 2024 की सुबह उठने के बाद आपको पूरे घर पर पोछा लगाना है और पोछे वाले पानी में काला नमक डाल दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके घर की नकारात्मक शक्तियाँ का नाश हो जाएगा और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। चौथा माना गया है, हमारे शास्त्रों में सूर्य ग्रहण के दूसरे दिन मतलब 5 फरवरी को आपको शिव मंदिर जाकर आपको शिवालय पर एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ा दे तो इससे आपके भाग्य उदय हो जाता है और भगवान भोलेनाथ का आप पे आशीर्वाद बना रहता है। अभी तक हमने आपको वीडियो में बताया कि शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान अब वो कौन से छोटे छोटे से उपाय कर सकते हैं जिससे आपके भाग्य भी आपका साथ दे और आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाएगी। अब हम आपको बताएंगे कि सूर्य ग्रहण वाले दिन और सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। चलिए आपको एक एक करके सारे बातों के बारे में बताते हैं, लेकिन आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल है वो 8:31 से शुरू हो जाएगा। या तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बाद किसी भी मूर्ति को ना छुए और न ही पूजा पाठ करें। दूसरा जैसे कि सूर्य ग्रहण की सूतक काल 8:31 से शुरू होता है, इस दौरान किसी भी वृक्ष को मत छुओ और न ही किसी पत्तियों को तोड़िएगा, इससे माना जाता है कि आपके जीवन में दुख आ सकता है। तीसरा,
सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बाद आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप अपने और जीवन साथी के साथ कोई भी शारीरिक संबंध ना बनाएं। और आपके घर की जो महिलाएं हैं और जो कन्याएं हैं उन्हें ये बात विशेष करके ध्यान रखना होगा कि सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बाद वो तेल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें और कंघी का इस्तेमाल ना करें। बस इस चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है और इन चीजों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो मान के चलिए इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपको किसी को भी देखने को नहीं मिलेगा। आपको किसी भी प्रकार के दोषों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब वो कौन सी ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है, चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। देखिए सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है कि सूर्य ग्रहण के बाद का समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा साबित होगा। न केवल विश्वास आपके काम के प्रति बढ़ेगा बल्कि आपके कारोबार में काफी ज्यादा वृद्धि देखने को आपको मिलेगी। आपके जीवन साथी के माध्यम से बड़े धन सहयोग बन रहे हैं। जिस नौकरी की आप तैयारी कर करके थक चुके थे आपकी नौकरी लग जाएगी और आपके जीवन में धन आने की कई प्रकार के रास्ते खोल रहे हैं। दूसरी जो खुश नसीब राशि है दोस्तों वो है सिंह राशि। सिंह राशि के बारे में बताया जा रहा है कोटक चिड़ी में जो आपके मामले चल रहे थे उसमें आपको जीत हासिल हो जाएगी। धन कर्म में रुचि बढ़ेगी। आपके मार्केट में अटका हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा। आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। सूर्य देव जी का आपके राहु केतु का आपका साथ देना शुरू कर देगा और आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। तीसरी खुश नसीब राशि है कन्या राशि वालों के बारे में। उनके बारे में यह बताया जा रहा है कि आपके जीवन में बने धन सहयोग बन चुके हैं। विदेश यात्रा के जाने के भी योग बन रहे हैं। अटका हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। आप कोर्ट कचहरी में जीत हासिल करेंगे। आपके विरोधी आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। राजनीति लाभ होगा। व्यापारों में भी सफलता देखने को मिलेगी। समाज में मान सम्मान वृद्धि होगी और सूर्य दान के बाद आपको बहुत ही सुख की प्राप्ति हो सकती है। चौथी खुश नसीब राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों की बारे में बताया जा रहा है कि आपका देव गुरु बृहस्पति इस पूरे सूर्य ग्रहण के बाद सातवें भाव पर चलाएगा। कहने का मतलब यह है कि आपके जीवन में आपको अनेक प्रकार की सफलताएं मिल सकती हैं। न केवल मान सम्मान आपके समाज में वृद्धि होगी बल्कि आपके व्यापार के द्वारा आपके लाखों करोड़ धन पाने के योग बन रहे हैं। जिस स्कीम में आप फंसते चले आ रहे थे उस कर्ज के बोझ से अब आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में जो पिछले समय से आपके जीवन साथी के साथ अनबन चल रही थी वो अनबन भी खत्म हो जाएगी और आपके घर में बहुत ही ज्यादा खुशहाली आएगी। इसी प्रकार से अगर हम मकर राशि के बारे में बात करें तो उनके बारे में बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी वाहन खरीदने के योग्य बन रहे हैं। अगर आप कोई भी नया व्यापार इस सूर्य ग्रहण के बाद शुरू करेंगे तो उस व्यापार में आपको सफलता देखने को मिलेगी। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।